सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट्स का प्रोडक्शन एंड इस वीडियो के एपिसोड में मैंने देखा है आप इंस्टॉट एप्लीकेशन का यूज करके कैसे प्रोफेशनल स्लो मोशन क्रिएट कर सकते हो अपने मोबाइल में। एंड बहुत ही सिंपल से स्टेप्स मैंने बताए हैं यार, बहुत ही इजीली आप समझ लोगे। एंड मुझे पता है बहुत ही अच्छे वाले स्लो मोशन क्रिएट कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। किसी भी चीज़ के लिए जैसे कि आप रील्स अगर क्रिएट कर रहे हो देन वहाँ पे भी आपको स्लो मोशन की रिक्वायरमेंट होती ही होगी, क्योंकि यार आप देखते हो कि रील्स में जो स्लो मोशन वीडियो होते हैं वो काफ़ी वायरल जाते हैं। सो अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ अब क्या करना है, जस्ट हमें सिंपली से इंस्टॉट एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पे वीडियो वाले बटन पे हमें क्लिक कर देना होगा, न्यू पे हमें क्लिक करना है। एंड जस्ट यहाँ पे आपको कोई सा एक वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है जिसमें मीन्स आपको स्लो मोशन क्रिएट करना चाहते हो। सो मैं यहाँ पे मीन्स वीडियो को ढूंढ लेता हूँ जिसमें मुझे स्लो मोशन करना है। नाउ मैं इस वीडियो को चाहता हूँ कि स्लो मोशन वाला क्रिएट करूँ, सो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन जस्ट यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना होगा। ओके, नाउ इसका साइज जो होगा जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इधर इधर ब्लरिंग आ रहा है, तो इसे एडजस्ट करने के लिए क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आपको कैनवास पे क्लिक करना है एंड 9:16 को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने मीन्स इसी रेशियो में वीडियो को रिकॉर्ड किया होगा तो आपको ये जूम इन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अदरवाइज आप जूम इन कर लेना अगर मीन्स अच्छे तरीके से फिक्स ना हो तब। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है, हमें डन कर देना है। एंड उसके बाद जस्ट हमें यहाँ पे फिल्टर्स पे आना है और फिल्टर पे क्लिक करके यहाँ से कोई एक अच्छा वाला फिल्टर को सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि सिनेमैटिक मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो देख सकते हो आप ओरिजिनल से सिनेमैटिक कितना अच्छा है। ठीक है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे फिलहाल ये वाला मीन सही लग रहा है तो मैं इसे सेलेक्ट कर लिया हूँ। एंड आपको जो अच्छा लगे यार वो कर लेना, कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है। ओके, सो मैं इसे ही फिलहाल कर लेता हूँ। देन उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट पे आना है एंड इसका सेचुरेशन को जस्ट आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे आपको बहुत सारे और भी फीचर्स देखने को मिलते हैं, आप उन्हें यूज करके मीन्स अच्छा खासा बना सकते हो, कलर ग्रेडिंग में सब कर लेना। ठीक है, बट अभी हम ये करने वाले स्लो मोशन, सो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो क्या करना है, इसे डन कर देना हमें एंड देन हमें ओके कर देना है। एंड नाउ जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने इस वीडियो को सेलेक्ट करना है। ठीक है, एंड जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा मीन्स स्क्रॉल करना है एंड वॉल्यूम पे आ जाना है। एंड वॉल्यूम पे आ जाने के बाद अगर आपके म्यूजिक ऐड हो वीडियो में, ठीक है, मीन्स आपने वीडियो रिकॉर्ड किया साथ में म्यूजिक भी एडेड है उसमें, आप जैसे रील्स में करते हो तो म्यूजिक भी आ जाता है हमारा। ठीक है, तो मीन्स इस तरीके से अगर आपका म्यूजिक इसमें एडेड है देन यहाँ से आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना। ओके, देन अगर आपके म्यूजिक ऐड नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है मीन्स आप अगर नॉर्मली शूट किए हो तो म्यूजिक ऐड नहीं रहता है, बट उसमें नॉइज होते हैं। ठीक है, जैसे कि मीन्स हवा हवा वाला नॉइज होता है, तो क्या करना है, इसे वॉल्यूम पे क्लिक करना है एंड इसे पूरा कम्प्लीटली डिक्रीज कर देना है। बट यहाँ पे मेरा म्यूजिक था तो मैंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो मैंने दोनों सिचुएशन के लिए बता दिया कि क्या करना है और नहीं करना है। ओके, नाउ जस्ट यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली सा डन कर देना है एंड उसके बाद हमें जो है वो अपने स्लो मोशन क्रिएट करना होगा। देखो यार, मैंने म्यूजिक को इसलिए निकलवा लिया ना क्योंकि अगर आप स्लो मोशन क्रिएट करोगे म्यूजिक एंड वीडियो दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स गाना भी गाएगा ऐसे आओ, ठीक है, मीन्स समझ नहीं आने वाला है गाना, मीन्स उतना सही नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने उसे निकलवा दिया, मीन्स एक्सट्रैक्ट करवा दिया। सो नाउ देखो, अब यहाँ पे वीडियो को प्ले करना है एंड देख लेना कि मीन्स कहाँ पे आपको स्लो मोशन की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे तो लग रहा है कि हमें यहाँ से स्लो मोशन करनी चाहिए। सो सपोज मैं यहाँ से स्लो मोशन क्रिएट करता हूँ ना, तो स्लो मोशन क्रिएट करने के लिए क्या करना होता है, जस्ट सिंपली से आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे जस्ट आपको एक स्प्लिट करके बटन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करते ना एंड जहाँ तक मीन्स आपको स्लो मोशन क्रिएट करना है। ठीक है, सपोज मुझे यहाँ तक स्लो मोशन क्रिएट करना है तो यहाँ तक आपको फिर से स्प्लिट कर देना होगा। एंड नाउ ये जो बीच वाला पार्ट आपको मिला है जस्ट इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे जस्ट आपको एक स्पीड किधर गया, हाँ स्पीड वाला बटन मिल जाएगा, जस्ट इसे आप डिक्रीज कर देना। आप यहाँ पे देख पाओगे कि मीन्स आपका वीडियो कम्प्लीटली स्लो मोशन हो चुका है, बट उतना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मीन्स इतना स्लो मोशन अच्छा लग रहा है क्या, ना। तो क्या करना है, जस्ट इस पर आपको क्लिक करना है, वही स्पीड पे क्लिक करना होगा एंड कर्व पे आना। ठीक है, एंड मैं जो कर्व बता रहा हूँ इस कर्व को आप फॉलो कर लो, काफ़ी अच्छा लगेगा, वेलोसिटी एडिट टाइप का भी आपका बन जाएगा। ठीक है, तो जस्ट क्या करना है, ये जो सेकंड वाला कर्व दिख रहा है इसे आप अप कर देना, थर्ड वाले को छोड़ देना, फिर उसी तरीके से फोर्थ वाले को कम्प्लीटली अप कर देना। ओके, नाउ जस्ट यहाँ पे आपको इसको डन कर देना है एंड अप प्ले करके देखो, और यहाँ पे आपका जो स्लो मोशन होगा ना वो काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। मीन्स स्लो मोशन फास्ट मोशन, स्लो मोशन फास्ट मोशन, जो कि वेलोसिटी एडिटिंग के समय हम करते हैं। ठीक है, काफ़ी सही लग रहा है। एंड देखो यहाँ पे ये जो स्लो मोशन आपने क्रिएट किया है, जस्ट उससे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको मीन्स ये ट्रांजिशन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको कोई एक बीट टाइप का स्टेट मीन्स ट्रांजिशन को यूज़ कर लेना, बीट टाइप का। ठीक है,
तो बीट टाइप का आपको देखो एक यहाँ पे ग्लिच में मिल जाता है ये वाला, ठीक ही ठाक होता है, मीन्स उतना भी सही नहीं है बट ठीक ठाक है, या फिर ये वाला आप यूज कर सकते हो। इसका बस ड्यूरेशन को हमें डिक्रीज कर देना होता है, तो मीन्स काफ़ी सही लगने लगेगा। यहाँ से मैं प्ले करके एक बार दिखा रहा हूँ, ओके नाउ आ गया, देन उसके बाद स्लो मोशन हमारा, ओके सो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज अगर अच्छा ना लग रहा है देन छोड़ देना यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है। तो मैं भी फिलहाल इसे नन रख रहा हूँ, बट देखो यार जहाँ पे हमारा स्लो मोशन रहता है अगर उसमें बीट वीट इफेक्ट ना रहे कुछ तो इंजॉय नहीं आता, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जैसे कि जहाँ पे आपको फास्ट मोशन क्रिएट हो रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हो मीन्स स्पीड में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जस्ट इधर हमें फिल्टर्स पे आ जाना है, एंड फिल्टर पे आने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड बीट में आ जाना। बीट में आने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको बहुत सारे बीट्स देखने को मिलते हैं, बट मुझे स्पेशली ये वाइट वाला सही लगता है, सो मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इस वाइट वाले का ड्यूरेशन को भी आपको अच्छे से एडजस्ट करना है, मीन्स यहीं पे हमारा स्पीड मोशन क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो इधर का बैक वाले को हटा देना है एंड इधर फ्रंट वाले को भी हटा देना है और दोनों को डिलीट कर देने का, ओके सो होगा क्या कि मीन्स जहाँ पे आपका फास्ट मोशन क्रिएट हुआ था जस्ट वहाँ पे बीट आ जाएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। थोड़ा आगे मीन्स ऐड हो गया, तो उसे आप देख लेना कि यार जहाँ पे मीन्स स्पीड जा रहा है आपका वीडियो वहाँ पे एडजस्ट कर लेना, ओके यहाँ पे था हमारा, कैसे एडजस्ट करूँ मैं, ठीक है। एक दो बार मीन्स प्ले करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा मीन्स कहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा था, सो मैं इसे यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ। नाउ अब ये परफेक्टली हमारा बैठ चुका होगा, हाँ देख सकते हो मीन्स काफ़ी सही लगता है इस तरीके से अगर रहता है। तो दो जगह हम मीन्स हमने स्पीड अप किया था, तो दोनों जगह पे कर लेना, इस तरीके से अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा आपका। एंड देन यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट वाला बटन देखने को मिलता है, मीन्स सेव वाला, सेव पे क्लिक करके इसको आप सेव कर पाओगे, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।